यहां पर हमने जो है इसके डबल मेडिकल के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू हमने 35 पे सेट कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर हमने एक वेरिएबल और ले लिया डबल, और उसका पहले हम इसके सारे बेनिफिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसकी डिडक्शन देखेंगे। एक पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ठीक, सैलरी ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया टोटल पी बेनिफिट के नाम से। देखिए इसमें आप जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना, तो स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं, तो वहाँ पे जब भी कहीं एक्सेस करेंगे तो भी आपने स्मॉल लेटर लिखने, कैपिटल नहीं लिखने, वरना फिर वहाँ पे एरर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपने ले लिया टोटल सैलरी के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इस तरह से रख लिया आपने, ठीक है। तो ये हमने अब तक का काम इस तरह से कर लेना है, फिर आदि आपको बाद में हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसके लिए भाई एम्प्लॉय का नाम इनपुट लेना है कि हम जब प्रोग्राम चलाएं तो हमारा यूजर का पास वो मैसेज आए और वो उसका इनपुट मांगे। तो ये हमने सी आउट करके एक मैसेज तो लिख ही रखा है, और यहाँ से हमने एक न्यू लाइन पर यहाँ पे हमने लगाया लेस देन एंड लाइन लगा के, और यहाँ पर एक इसका इनपुट लेना है। तो सी इन कमांड से ग्रेटर देन लगा के हमने यहाँ पे एक इनपुट ले लेना है। किसके अंदर इनपुट लेंगे, emp नेम वाले स्ट्रिंग वाले वेरिएबल के अंदर। देखिए रन करते हैं प्रोग्राम को, कोई एरर तो नहीं है, ऐसे चेक करते जाया करें। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आई है कि इनपुट तो ले रहा है लेकिन निचली लाइन पे ले रहा है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा इसहाक, तो यहाँ पे इसहाक के नाम का जो इनपुट ले रहा है नीचे वाली लाइन पर, मैंने सामने इनपुट ले, तो यहाँ पर से एक एंड लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और जैसे एंड लाइन को रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इनपुट है इसका वो इसके सामने आ जाएगा। और अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसहाक, तो ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से इनपुट लेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इस लाइन के ऊपर कि भाई अगर हम ये इसे इनपुट ले रहा है तो फॉर एग्जाम्पल अब इसका इनपुट जो है वो जो बनाए कि सैलरी डाले इसकी, तो अब इसके लिए हमने लिखा अगली लाइन के ऊपर। अब आपको मैं समझाता हूँ, देखिए ऐसे कॉपी करें इसको, और कॉपी करने के बाद इसके नीचे पेस्ट कर दें और एंटर एम्प्लॉय सैलरी, तो यहाँ पे लिख दी सैलरी, और सी इन करके आपने उसका इनपुट ले लिया सैलरी के अंदर। तो सैलरी के अंदर जो इनपुट जाएगा वो सैलरी वाले वेरिएबल में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने वेफ रन किया, तो यहाँ पे रन करने का पता चला यहाँ पे इसहाक हमने इसका नाम लिखा, और उसके नीचे उसने सैलरी का इसका इनपुट मांग लिया, सपोज टू बी 75,000 इसकी सैलरी, और इंटर किया हमने। तो अब इसके बेनिफिट्स वगैरह ये कैलकुलेट करें और उसका टोटल करके हमें दिखा दें। तो अब इसको कैसे करेंगे, हम इसको सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे डालना है हमें, और यहाँ पे हमने लिखना है सपोज टू बी, क्या लिखना है कैसे कैलकुलेट होगा ये सारी चीजें। देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है बेनिफिट। अब बेनिफिट वाला वेरिएबल जब ये सारे काम हो रहे होंगे तो कैसे काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है सैलरी, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे डबल करके गेट गेट डेटा के नाम से ले लेते हैं, ठीक है, और उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो करते हुए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे कैसे, हम लिखेंगे गेट डेटा, ठीक है, इनिशियल वेरिएबल ये आ गया। अब सैलरी जो हमने ली है इसके अंदर, सैलरी को मल्टीप्लाई करो किससे, ऐसे करेंगे ब्रैकेट पे लिखेंगे सैलरी को मल्टीप्लाई करो जो भी बेनिफिट है ट्रेवल वाले वेरिएबल से, और उसको डिवाइड करो 100 से, तो आंसर चला जाएगा इसके अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि वो आंसर जो जा रहा है वो इसके अंदर जा रहा है, तो बड़ा मतलब गेट डेटा में फिर ये इसके अंदर जा रहा है वो आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रेवल का जो भी अलाउंस निकलेगा वो इसके अंदर जा रहा है। अब इसका जो मैसेज है वो कैसे बनाना है, वो ऐसे बनेगा सपोज टू बी, यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट करके, यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट टाइम पर सी आउट, और यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे एंड लाइन लिख के, और यहाँ पे लिखते हैं आगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रेवल, ठीक है, और ट्रेवल अलाउंस, ठीक है, और या पहले एक मैसेज दिखा देते हैं एंड लाइन, और टोटल अलाउंसेस, ठीक है, अलाउंसेस, ठीक है, टोटल अलाउंसेस, और फिर यहाँ से लेस देन देके एंड लाइन दे देते हैं। तो अभी देखिए कैसे आ रहा होगा, ये किस तरह का मैसेज आ रहा होगा, यहाँ पे नाम लिखना हमने बाद, और यहाँ पे सैलरी डाली 75,000, और यहाँ पे आ गया टोटल अलाउंसेस लिखा हुआ, ठीक। अब अलाउंसेस के नीचे अलाउंसेस दिखाने, तो ये लॉजिकल जो हमने बनाया है वो यहाँ से पकड़ेंगे, और इस लॉजिक को हम उठा के यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद अब इस लॉजिक के मुताबिक जो है हमें अलाउंस दिखाने। तो पहला वाला अलाउंस कौन सा है जो हमें दिखाना है, तो इसी लाइन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके नीचे रख देते हैं, पेस्ट कर दिया। पहला जो अलाउंस है वो हमें यहाँ पे दिखाना है एजुकेशन का, तो एजुकेशन लिख देते हैं यहाँ पे, एजुकेशन लिख दिया, और अभी इसके आगे न्यू लाइन नहीं देना क्योंकि इसके आगे हमें अलाउंस शो करना है, तो न्यू लाइन यहाँ पे रखें, और अलाउंस कितना परसेंट मिल रहा है तो यहाँ पर पहले आपने वो दिखाना है। तो एजुकेशन का अलाउंस जो मिल रहा है वो हमने एजुकेशन में लिख रखा है, तो ये आगे एजुकेशन वाले वेरिएबल का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके आगे लेस देन, फिर यहाँ पर डबल कोट लगाया और एक परसेंट का साइन लगा दिया। अब कितना कैलकुलेट किया है हमने
तो वो वहाँ पे आके हमने इसके साथ परसेंट लगा के कॉलन लगाया, स्पेस दिया, फिर लेस देन लगाया, और ये गेट डेटा के अंदर वो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ यहाँ पे हमने लगा दिया। अब देखिए ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सारा समझ में आ जाएगा और आगे सारा काम ऐसे ही उतरेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा सपोज टू बी राशिद और यहाँ पे हमने लिखा 75,000 इसकी सैलरी, एंटर किया तो इसने का टोटल अलाउंस 75,000 पे जो एजुकेशन का है 25% है और वो कितना बन रहा है, समझ में आ रही बात ये। अब ऐसे ही सारा काम करना है हमें, तो बार बार डेटा लिखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से क्या किया हमने इसको कंट्रोल सी एंड देन फिर आके नीचे किया एंटर कंट्रोल वी। अब यहाँ पे सैलरी हुआ था ट्रेवल से, सॉरी ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया ट्रेवल से निकाल दिया एजुकेशन, तो यहाँ से इसको एजुकेशन से ही मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे इसको ट्रेवल को कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रेवलिंग, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट इसी तरह से बनेगा। तो तीसरी दफा फिर हमने यहाँ से इसको किया कॉपी और पेस्ट कर दिया, और अब तीसरा वेरिएबल था हमारा मेडिकल का, तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से हमने ले लिया, तो यहाँ पर आके हमने इसको इधर भी पेस्ट कर दिया वेरिएबल को और इधर भी पेस्ट कर दिया वेरिएबल को और इधर लिख दिया मेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल लिख दिया। अब आप देखें कि क्या आपका आउटपुट कैसे बन रहा है, तो यहाँ से हमने F11 किया, कंपाइल एंड रन हुआ एप्लीकेशन, ओके। अब लिख रहे हैं यहाँ पे हम उसका नाम मुजफ्फर और यहाँ पे सैलरी लिख रहे हैं इसकी 85,000, एंटर किया तो देखें इसके तीनों अलाउंसेस बन के आ गए, एजुकेशन के 25%, मेडिकल का 35% और इसके अमाउंट बन के आ गए। अब इसके निकालने हमें टोटल बेनिफिट्स, तो टोटल बेनिफिट्स कैसे निकलेंगे अब ये, हाँ ऐसे ही तो है गवर्नमेंट में। अब तो बेनिफिट कैसे निकलेंगे, अब देखिए बेनिफिट निकालने के लिए आपको करना ये पड़ेगा, यहाँ पे एक लॉजिक हम बना रहे हैं, हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, किसके नाम से लिया हुआ है वेरिएबल, बेनिफिट के नाम से, हमने उसको यहाँ पे कॉपी किया टी बेनिफिट कॉपी किया। अब जो बेनिफिट है पहला वाला बेनिफिट कौन सा है, वो ये वाला है। तो देखिए हम यहाँ पे कोड कैसे रखेंगे, मतलब बेनिफिट में तीनों बेनिफिट आने चाहिए ना, तो तीनों बेनिफिट कैसे आएंगे ये देखिएगा, आप यहाँ लिखेंगे बेनिफिट और यहाँ पे लिखेंगे प्लस इक्वल टू, इसका मतलब है इनको मिला के लिखना है, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं बेनिफिट की जो भी वैल्यू है, वट एवर जो भी वैल्यू है उसमें प्लस करो, क्या करो प्लस करो, किसको गेट डेटा को, और असाइन भी कर दो, मतलब गेट डेटा 16 आया तो बेनिफिट की वैल्यू 0 थी, तो 0 प्लस गेट डेटा 100, 0 प्लस 100 हो गए 100, तो वो बेनिफिट की वैल्यू क्या हो गई 100। अब यही स्टेटमेंट आप यहां पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसके अंदर 100 था इधर 200 था, तो 100 प्लस 200 कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 300, अब इधर 400 था तो 400 और प्लस 300 700, अब इसकी लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 700। ये एक तरीका है कि इस तरह से डेटा लेते जाते हैं और अपडेट करते जाते हैं, बार बार गेट डेटा वाला वेरिएबल कैलकुलेट हो रहा है और बार बार वो इसको बेनिफिट वाले वेरिएबल को क्या करेगा अपडेट करेगा। फाइनली अब इसका आउटपुट बनाएंगे सी आउट, यहां लिखेंगे टोटल बेनिफिट्स, ठीक है यहां पे लिखेंगे और यहां पे बेनिफिट वाले वेरिएबल की टी बेनिफिट वाले वेरिएबल को क्या करेंगे यहां पे हम क्या कर देंगे इसको आउट कर देंगे, ठीक है। और यहां पर और क्योंकि परसेंट में तो दिखाना ही नहीं है उसको, तो यहां से एंड लाइन को हटा देंगे, ये एंड लाइन इस तरह से आ जाएगा, फौरन दे देंगे। तो आइए यहां पर रन करके देखिए, एम्प्लॉय हो गया अरसलान और 95,000 रुपये तनख्वाह कर दी इसकी हमने, तो देखिए 25% निकाल के इसका टोटल बेनिफिट बन गया 85,500, सही। अब टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे इसकी, तो टोटल सैलरी के लिए हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिया है टोटल सैलरी का, नहीं लिया हुआ टोटल सैलरी का वेरिएबल, ये लिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल सैलरी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे करके, इसको हम इस तरह से लिखेंगे बेनिफिट्स निकालने के बाद, या लिखेंगे टोटल सैलरी प्लस इक्वल, ठीक है, मतलब जो भी टोटल सैलरी है उस पे प्लस करो और उस पे असाइन भी कर दो, किसको शाबाश बेनिफिट्स को, ठीक है। और यहाँ से आप उसको क्या लिखेंगे, क्लिक करके एंटर, यहाँ पर पेस्ट एंड देन डिलीट, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल सैलरी और यहाँ पे आउटपुट दे देंगे टोटल सैलरी का, ये आपकी ऐप तैयार हो गई, आदि बनिए बेनिफिट्स कैलकुलेट कर रही है। सपोज टू बी मुजफ्फर 75,000, असल में यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, टोटल सैलरी करना है असाइनमेंट लगाना है और हमारी सैलरी किसके अंदर है, वो तो सैलरी में ही है ना,
सैलरी के साथ प्लस करना है ना। अब सही हो गया और यहाँ पे आउटपुट ही आ गया। अब सेट है, असल में इसका नाम नहीं आ रहा था ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो अब सही हो गया। तो ये देखें, इसकी पूरी सैलरी कैलकुलेट हो गया।